हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक रेसिपी एंड ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी चटपटी वाली। तो देखिए, मैंने यहाँ ले लिया बॉइल्ड आलू और देखिए मैं इसे अच्छे से उबाल लिया है। और गाइस, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से अब छील लूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ मैंने छील के इसको रख लिया है। और इसके बाद से एक पैन में हम ऑयल डालेंगे। और यहाँ देखिए, हमने पैन हीट हो गया, ऑयल डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑयल डालेंगे, ये सरसों का तेल डाल रहे हैं, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल बोले हैं। तो यहाँ पे ऑयल गरम, जीरा डाल दिया सबसे पहले। जीरा डालने के बाद से गाइस, यहाँ पे हम डालेंगे आगे के प्रोसेस में हरी मिर्च। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद से गाइस, मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, पिसी मिर्च, और इन सबको अच्छे से तेल में पकाऊँगी। और तेल में हम इसे मसालों को अच्छे से पका लेना। अब ये आलू को मैं बाइट्स में कट कर लूँगी, ये मैंने बॉयल्ड आलू कर रखे हैं, तो इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। इससे ये कटिंग में रहेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ सब कट्स कर लिए हैं, अब मैं इन्हें डालूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आलू को डाल के अच्छे से डाल देती हूँ। अब मैं इसको चलाऊँगी। गाइस, जो हमने मसाले ऑयल में डाले वो पक चुके हैं, उसी में मैंने अच्छे से भूनती हूँ। और भूनूँगी तो सब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ इसे अच्छे से भून लिया है। और देखिए, अब नमक ऐड कर दिया, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और ये हमने यहाँ ऐड कर दिया खटाई पाउडर, इससे इसका स्वाद चटपटा होता है। और देखिए, यहाँ गार्निश कर दी धनिया पत्ती, क्योंकि हमारे आलू बॉइल्ड थे, तो ये बनकर बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और मैं लाऊँगी इसी तरह नए नए वीडियो। और देखिए, आप लोग भी ज़रूर ये सूखी सब्ज़ी ट्राई करिएगा। और नए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारी सब्ज़ी काफ़ी चटपटी बनी हुई है। और खाने में इसको पूरी के संग, चपाती के संग आप लोग खा सकते हैं, विदाउट चपाती के भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बनी है। और एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।